रीटा भी के इसको बना दो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश फ्रॉम दीवान गारमेंट से। ये देखिए, आप वीडियो देखकर तो आपको समझ गया होगा कि दोस्तों आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। सलमान भाई को देखिए, इनकी जींस देखिए, और ये अक्षय कुमार जी हैं, इनकी जींस देखिए। समझ गए हैं टोन जींस क्या है, टोन जींस का क्रेज क्या है, वो आज आपको मैं ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि टोन जींस बनती कैसा है। तो दोस्तों, टोन जींस कैसे बनती है देखने के बाद मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया नया चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपका सहयोग मुझे चाहिए, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा दीवान गारमेंट चैनल। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिए, ये बिजनेस आपको करना है तो इसकी कॉस्ट भी बता रहा हूँ दोस्तों। मेरे कमेंट में आप पूछिए, कमेंट में मैं आपको बताऊँगा इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए बनती कैसी है टोन जींस, ग्राइंडिंग कैसी होती है, और लाइक कीजिए, शेयर। हाँ दोस्तों, ये देखिए टोन्स की टी शर्ट है, और आप लोगों को आज दिखाने लाया हूँ टोन्स कैसे बनते हैं, ग्राइंडिंग कैसी होती है। तो दोस्तों ये है स्टैंड जिस पे हमारी ग्राइंडिंग होती है, जिस पे टोन्स बनते हैं, और ये पीस है, पीस का हम लेग स्टैंड में लगाते हैं जिससे कि हमारा ऊपर वाला पल्ला ही कटे, नीचे वाला नहीं जाए। और ये है ब्लेड, ब्लेड जिससे हम काटते हैं, इसको ग्राइंडिंग करते हैं। सो प्लीज ग्राइंड कीजिए। ये पीस से ग्राइंडिंग हो रहा है, पीस पे जितनी जगह चाहिए पूरी तरह से ये फट जाता है। ये देखो ग्राइंडिंग ऐसा हो रही है, ऐसा ब्लेड मार मार के काटते हैं। कटने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है। ये पीस में देखिए हम जितनी भी चाहें उतना ग्राइंडिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। समझो एक लेग में, लेफ्ट साइड के लेग में देखो 4 हो गए, अभी देखो राइट साइड में इतने ही मार रहे हैं, और ये देखो राइट साइड ले लिया है। ये देखो आप बेसिक है, पहला बेसिक कैसा है, कुछ भी नहीं है पीस में, वॉशिंग होके आई है, अभी देखो इसमें हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ये देखो विस्कर किया हुआ है, इसके ऊपर ये देखो ब्लेड मार के हम डैमेजिंग टोन्स बना रहे हैं। ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ हमने राइट साइड में किया, लेफ्ट साइड में किया, और फोर्थ ग्राइंडिंग हमारी ये राइट साइड में हो गई। अरे उसके बाद दोस्तों ये है एयर मशीन, जो उसमें का बुझा निकालती है, जो दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, जो मेन है, ये उसका स्टैंड है। ये देखो यहाँ पे ऐसे जींस लगाई जा रही है, और ये पल्ला लगाने के बाद, ये ओनर हैं यहाँ के, रामलाल भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ये देखो अभी ग्राइंडिंग करके बता रहे हैं, हमारे यहाँ देखिए कैसे काम होता है आप लोग। ये देखो ये देखिए हवा मारने के बाद ऐसा पीस का जो बुजर है निकल रहा है। ब्लैक पीस है, इसके लिए उतना नहीं दिख रहा है, व्हाइट पीस होती तो आपको दिखता, व्हाइट भी दिखा। ये देखिए लाइट ब्लू कलर है, इसमें समझ में आएगा आपको, ये हवा मारने के बाद ऐसा गुजर निकल रहा है। देखो ग्राइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, और ऐसा स्टैंड से इसको निकाल लेते हैं बाहर, दूसरे बाजू का राइट साइड का।
इसका प्रोसेस। अब ये सेकंड स्टेप में आती है, ये देखिए ये प्रेस है, स्टीम है, जो हम इसमें पैचिंग करते हैं, जहाँ ग्राइंडिंग होता है, कटिंग हुआ है होती है, उसके ऊपर हमें पैचेस लगाते हैं कि पीस मजबूत रहे और वॉशिंग के बाद पीस फटे नहीं, खुले नहीं। ये देखो इसकी ऐसी पैचिंग होती है, ये पैच है, ये जो कटा हुआ भाग है इसके ऊपर रखते हैं, उसके बाद स्टीम से प्रेस से पैचेस लगाते हैं। दोस्तों ये पैच होते हैं जिसमें गम लगा होता है और गम प्रेस चिपकाने के बाद चिपक जाते हैं बराबर। उसके बाद दोस्तों ये देखो दूसरे बाजू का, ये पैचिंग दूसरे बाजू का, ये जितना हीट रहता है, प्रेस हीटिंग रहता है, उतना अच्छा चिपकता है। ये देखिए देखिए कट, चार कट हुए थे, चारों कट बराबर चिपक रहे हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस पूरा हुआ, ये देखो। उसके बाद आती है ये मशीन है, इसमें इसकी प्रॉपर सिलाई होती है। सिलाई दोस्तों इसके लिए होती है कि बराबर चिपका रहे, नीचे जो अस्तर है बराबर बन जावे, फटे नहीं, निकले नहीं। देखो जितने पैसे लगे हैं उनको तो सिलाई होती है, प्रॉपर तब जाके अपनी डमरी पूरी होती है। पूरी होने के बाद ये पीस है पूरा, ये देखो कुछ चीज़ें। उसके बाद पैकिंग होकर दोस्तों आपके हाथ में आती है, और इनके ओनर हैं